सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अजय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ घंटी आइकन को भी दबा लें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस, आज आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ रिगार्डिंग ITBP कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। कि जैसे कि आपको पता है कि इसका जो ट्रेड टेस्ट का स्टेटस भी आ चुका है और अभी जो आता है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो आता है रिटन एग्जामिनेशन का दोस्तों, जो कि आपका बहुत ही जल्द शॉर्टलिस्ट दोस्तों बहुत ही जल्द आपका इंटीमेट हो जाएगा। तो गाइस, इसका जो एक्सपेक्टेड डेट दोस्तों है, आपकी एक्सपेक्टेड डेट दोस्तों रखी गई है, वो रखी गई है जून। ठीक है गाइस, जून के मिड में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा गाइस। ओके, जून के मिड में हो सकता है दोस्तों आपके 15 से 20 तारीख के बीच में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट करवा दिया जाए और दोस्तों इसके एडमिट कार्ड भी जून में ही आएंगे गाइस। ठीक है गाइस, मेरी जस्ट बात हुई है थोड़ी देर पहले, उसके आधार पे आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने सोचा कि ठीक रहेगा वीडियो बनाने के बाद बनाकर आपको बताऊँ तो दोस्तों, तो जून के मिड में आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं एंड एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा गाइस। एज़ पर ITBP ऑफिशियल मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी दोस्तों, तो मुझे लगा कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनानी चाहिए और आपके ऊपर शेयर करनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाला हूँ कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए कितना कट ऑफ रखा गया है जनरल OBC ST एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो गाइस 50% रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए एंड OBC के लिए रखा गया है 40%। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं 50% कितना हुआ, 50 का 50 का 25 हो गया। ठीक है, तो गाइस मिनिमम दोस्तों मैं आपको यह बताऊं, अगर आपके रिटन एग्जामिनेशन में मिनिमम दोस्तों ये क्राइटेरिया लेके आप नहीं चल रहे तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों ये क्राइटेरिया पे सिलेक्शन नहीं होता। मिनिमम दोस्तों अगर आपके 35 नंबर आ रहे हैं ना आउट ऑफ 50, तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 35 नंबर आपके इसके, अगर 35 नंबर अगर आपके आते हैं चाहे कोई भी कैटेगरी हो दोस्तों, मैं SC ST OBC किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी के लिए कर रहा हूँ। मिनिमम अगर 35 नंबर अगर आप ले आते हो तो आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि फाइनल वाले लिस्ट में आना है जिनके नंबर कम है, तो मिनिमम 44 प्लस नंबर लेके चलिए। अगर आपके 44 प्लस नंबर हैं तो आपका दोस्तों चांसेस बनते हैं कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, एक वेटिंग लिस्ट होती है, एक होती है मेन लिस्ट। दोस्तों वेटिंग लिस्ट में दोस्तों वैकेंसी थोड़ी सी रहती हैं, इसका भी दोस्तों बैकलॉग रहता है, मिनिमम 50 से 100 वैकेंसी रहती हैं बैकलॉग में। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि 404 वैकेंसीज अभी हैं दोस्तों, जैसे कि 303 थी, लेकिन 100 वैकेंसी जो रहती है वो बैकलॉग में रहती है। जो बैकलॉग रहती है वो जनरल SC ST OBC सभी में बांटी रहती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो बैकलॉग रहती है वो रहती है जनरल में दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों आप ये रख के चलिए कि 404 वैकेंसीज हैं जिसमें बैकलॉग 100 की रहती है। और दोस्तों जो कट ऑफ जाने वाली दोस्तों, मैं आपको बता दिए, जिनके जिन बच्चों के नंबर कम है वो 44 प्लस नंबर ही रख के चले। अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो आपके दोस्तों 101% चांसेस बनते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये जो कट ऑफ बनती है ये स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं बनती है, ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ बनती है। स्टेट वाइज कट ऑफ जो बनती है दोस्तों, वो आपके SSC इस तरह के जो ये बोर्ड हैं, जो भर्ती बोर्ड हैं, ये करवाते हैं। ये ITBP की तरफ से जो है ये नहीं करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं होती है, ये आपकी जो होती है सेंटर वाइज, यानी कि आपका ऑल इंडिया लेवल पर कट ऑफ निकलती है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी दोस्तों, मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी कट ऑफ कितना रहेगा। और बाकी दोस्तों SC ST OBC जो है उनको मिनिमम 30 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे दोस्तों, अगर वो चाहते हो क्वालिफाई करना है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको मैंने देनी थी दोस्तों, और आशा करता हूँ कि दोस्तों मैंने आपको दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे, एक कट ऑफ के बारे में, दूसरा एडमिट कार्ड कब आएंगे दोस्तों। तो अभी अपनी तैयारी रखें दोस्तों, करंट अफेयर, GK, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश भी दोस्तों अपनी पकड़ मजबूत बना के रखें दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको मैं आज के जो इंपॉर्टेंट जो दोस्तों अपडेट्स हैं, जो करंट अफेयर हैं दोस्तों, उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने साथ जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरे हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन दोस्तों नहीं है ITBP के एग्ज़ाम के बारे में, एग्जामिनेशन कब होगा, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप जरूर दिएगा। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। जय हिंद एंड जय भारत।